और बेन की पाठशाला। ये देखो एनी, कितनी डरावनी जगह है ना। अरे बाप रे, इनके सिर तो गायब है। अब हमें क्या करना चाहिए एनी? ये अरे रुको, कहाँ जा रही हो तुम, बताओ तो सही। ओह देखो एनी, ये क्या है? ये है एक स्पिनिंग व्हील। मैं समझ गई, सही चेहरा ढूंढने के लिए इसे घुमाना होगा। बहुत बढ़िया, देखें क्या ये सही चेहरा है। नहीं, ये तो एक विच है। दोबारा घुमाओ। चलो अब देखते हैं, ये वाला नहीं, स्केलेटन भी नहीं। चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, देखें अब क्या आता है। वैम्पायर। वाओ। चलो फिर से इसे घुमाएं यानी, ये बहुत मजेदार है। चलो देखें अब क्या आता है। क्या मम्मी? नहीं ये भी नहीं, फिर से घुमाओ। ये वाला नहीं, ये विच नहीं है, पर ये बहुत प्यारी लग रही है। चलो देखो और क्या है। ये है एक, हाँ बिल्कुल सही। हाँ हाँ मुझे पता है तुम बहुत स्मार्ट हो। ये है एक स्केलेटन। वाओ। चलो खेल आगे बढ़ाएं। ओह चलो फिर से घुमा कर देखें क्या आता है। क्या ये एक विच है? नहीं, तो हो सकता है ये वाला। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही पहचाना। मम्मी बहुत खूब एनी, अब बस आखिरी ही बचा है। चलो अब फिर से घुमाओ, ये जरूर इसी का चेहरा होगा। देखते हैं। यै! अरे वाह, देखा यानी, ये अपना सिर पाकर कितनी खुश है। एक विच। यै! बहुत अच्छे, चलो अब चले और उन सबसे जाकर मिले। यै! देखो ये रहे सब। हैप्पी हैलोवीन, बाय बाय। ओह हाय मैंगो, कैसे हो तुम? क्या ये सब फल है? ओह देखो यहाँ रंग भी है। ओह ये क्या है? पीला रंग। मैंगो तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? भूरी डंडी और हरी पत्ती। ये है एक मैंगो यानी आम। अरे ये तो तुम्हारा नाम है, पीला रंग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मैंगो, अब कौन सा फल आने वाला है? चलो देखते हैं। वाह ये क्या है मैंगो, बताओ। ये लाल रंग का है और चमकदार भी। इसकी डंडी भूरी है और पत्तियां हरी। ओह मैं समझ गई, ये फल मुझे बहुत पसंद है। ये है एक सेब। ये मुझे सेब बहुत पसंद है, लाल लाल सेब। अब अगला फल कौन सा निकाले मैंगो, सोचो। वाह ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। ओह ये फल काफी बड़ा है, इसमें भरेंगे हरा रंग। मैं सोच रही हूँ ये कौन सा फल है मैंगो। इस पर थोड़े हल्के हरे रंग की धारियाँ भी हैं। बहुत खूब मैंगो, अच्छा लग रहा है ना? ये देखने में तो बहुत रस भरा लग रहा है, मजेदार। क्या तुम्हें समझ आया ये कौन सा फल है? ये है एक, हाँ ये है एक तरबूज, और ये अंदर से लाल होता है। वाह और मुझे हरा रंग बहुत पसंद है। अच्छा बताओ क्या तुम्हें भी पसंद है?
ओह, चलो देखते हैं अब कौन सा फल बाहर आता है। ये देखने में तो एकदम गोल है और इसका रंग नारंगी है। ओह, मैं समझ गई ये क्या है। और इसमें भूरी डंडी भी है और पत्ती तो हरी ही होती है। इस फल में थोड़ी खटास भी होती है। ये है एक संतरा। सही पहचाना तुमने। वाह, शाबाश। वाह, अब हमारे पास है आखिरी और खास फल। ये है बैंगनी। ओह, मेरा पसंदीदा रंग। ये है हरी पत्ती और हरी डंडी वाला। अरे ये तो है एक अंगूरों का गुच्छा। हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश, तुमने सब सही पहचाना। मुझे उम्मीद है कि आपको भी फलों में रंग भरने में मजा आया होगा। बाय। अरे इतनी बड़ी लॉलीपॉप, ये यहाँ कैसे आई? चलो मैंगो इसमें रंग भरते हैं। आओ ढूंढे गुलाबी रंग। क्या ये गुलाबी है? नहीं। इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, सही कहा, तुमने गुलाबी रंग ढूंढ लिया। बहुत अच्छे। वाह, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। चलो पीला रंग ढूंढने। सोचो सोचो। नहीं, ये नहीं है। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये है? हाँ, ये पीला रंग है। वाह, तुमने ढूंढ लिया। चलो इसमें पीला रंग भरे। वाह, ये लॉलीपॉप कितनी सुंदर लग रही है। चलो ढूंढे लाल रंग। क्या ये लाल रंग है? हाँ, तुमने लाल रंग भी पहचान लिया। बहुत अच्छे। लाजवाब। चलो हरा रंग ढूंढे। क्या ये हरा है? नहीं, ये हरा नहीं है। क्या ये हरा है? नहीं, ये तो पीला रंग है। क्या ये हरा है? हाँ, ये हरा रंग है। बहुत अच्छे। वाह, बिल्कुल सही। चलो नारंगी रंग ढूंढते हैं। क्या ये नारंगी है? नहीं, ये गुलाबी है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, ये है नारंगी रंग। क्या बात है। वाह, चलो ढूंढे नीला रंग। देखो क्या ये नीला है? हाँ, ये नीला है। तुमने सब रंग सही पहचाने हैं। वाह वाह मैंगो, तुमने सारे रंग ढूंढ लिए और लॉलीपॉप में कितने अच्छे रंग भर दिए। अरे मेरे लिए रुको। हाय बच्चों, चलो आज मेले में चलते हैं। देखना, वहाँ बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ एनी बेन और मैंगो भी है। चलो आओ, हम खेलते हैं स्पिन द व्हील। वाह, क्या कमाल का आइडिया है। तो पहले इसे कौन घुमाएगा? मैंगो। बस रस्सी खींचो और व्हील घुमाओ। ओह, देखे पहले कौन से रंग की फुटबॉल आती है? हरा रंग। देखो हरा कछुआ, क्या तुम बता सकते हो और क्या क्या हरा हो सकता है? हाँ हाँ, सोचो। अब बारी है एनी की। इस रस्सी को खींचकर व्हील को घुमाओ एनी। हाँ ऐसे ही, और ये व्हील घूमने लगा गोल गोल। नारंगी रंग। नारंगी रंग की मछली। बहुत अच्छे। अब तुम्हारी बारी है बेन, इस रस्सी को खींचो। बढ़िया। ओह, अब कौन सा रंग आएगा? लाल रंग। और ये लाल रंग का ऑक्टोपस है। ओह, मैंगो रस्सी खींचो, मैं जानती हूँ तुम फिर से घुमाना चाहते हो। चलो देखें अब कौन से रंग की फुटबॉल आती है। पीला रंग। एक पीली स्टारफिश। ओह, ये खेल तो सच में बहुत ही मजेदार था। ओह, संभल कर मैंगो, गिर मत जाना। बाय। हेलो मैंगो। अरे ये क्या है, आइसक्रीम?
ओह देखो, इसकी दो आंखें हैं, एक जीभ, मूंछे और दो छोटे छोटे कान भी हैं। ये किस जानवर का चेहरा है? सही पहचाना, ये एक बिल्ली है। तुम कहाँ जा रहे हो मैंगो? ओह एक और है। ओह ये किसका चेहरा है? इसके गोल गोल कान हैं। सुनो मैंगो, ये कुछ कुछ तुम्हारे जैसा दिख रहा है। कहीं ये बंदर। हाँ ये एक बंदर ही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैंगो। क्या हम एक और चेहरा देखने जा रहे हैं? ओह काला और सफेद, इसकी आंखों के चारों ओर काले धब्बे हैं। ये कौन सा जानवर हो सकता है? हाँ मुझे पता है, ये एक पांडा है। ये आओ देखें आगे क्या है। ओह ये तो नारंगी रंग का है, बड़ी बड़ी मूंछे, काली धारियां। ये कौन हो सकता है मांगो? हाँ ये एक शेर है। बहुत अच्छे, ये तो मजेदार है। ये वाला भूरे रंग का है। ओह मुझे पता है ये कौन सा जानवर है। हाँ ये एक भालू है। जानवरों का चेहरा पहचानने में मजा आया ना मैंगो। बाय। डच हार्बर यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ का सबसे दूर वाला हार्बर है। एनी, हम नॉर्थ पोल जा रहे हैं क्या? हाँ शायद, मुझे पोलर बेयर से मिलना है, मैंने आज तक एक भी नहीं देखा। अरे और कब तक हम नॉर्थ की तरफ चलते रहेंगे? बेन देखो, शायद हम आगे आ गए हैं। यहाँ पर बर्फ पिघल रही है, तो हमें ज्यादा ठंडी जगह पहुँचना होगा। पोलर बेयर्स वहीं पर मिलेंगे। क्या बात है, अपना मैंगो तो स्मार्ट निकला। वो कह रहा है कि दुनिया हो गई गर्म, बर्फ हो रही है खत्म। मैंगो सही कह रहा है, नॉर्थ पोल की बर्फ पिघले जा रही है क्योंकि लोग बहुत फ्यूल यूज कर रहे हैं और हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होती जा रही है। 20 साल पहले नॉर्थ पोल इतना बड़ा था और अब इतना हो गया है। मुझे लगता है मैंगो ने पोलर बेयर देख लिया। अरे उसे देखो तो। अने, पापा कह रहे थे पोलर बेयर व्हाइट होते हैं। हाँ? पर ये पोलर बेयर हरा कैसे? कलर बाद में देखेंगे, अभी उसे बचाना जरूरी है। वो फंसा हुआ है एक बर्फ के टुकड़े पर। मेरी मदद करो। अब भाई डरो मत, हम आवे। मैं हूँ अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। मैं 2 दिनों से तैर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ इतनी ही बर्फ बची है, बाकी सारी बर्फ पिघल गई है। वैसे एक सवाल पूछूं, तुम सफेद की जगह हरे क्यों हो गए हो? एलजी यानी काई मेरे फर से चिपक गए। काई छोटे छोटे पानी के पौधे होते हैं, पर यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है, यहाँ पर काई कैसे जमी होगी? ये बर्फ मेरी माँ है, मेरा फर हल्का है तो उसमें पानी जमा हो जाता है और फिर उसमें काई जम जाती है। मैं थक गया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं हरा हूँ और मुझे बर्फ चाहिए। कैप्टन मैंगो, इस बार नॉर्थ पोल पे अपनी सवारी निकालो। डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। वैसे तुम बोट के बीच में आ सकते हो क्या? इस तरह बोट पलटने का डर है और मैंगो चला भी नहीं पा रहा। लहरें बहुत ज्यादा तेज हैं। समुद्र में बहुत तूफान आते हैं, लहरें बहुत बड़ी हो जाती हैं। खतरनाक होता है क्या? पलट भी सकती है। बेन, उसको अंदर ले जाओ, उसके वजन से बोट सीधी चलेगी। अंदर चलो अन्ना चौकन्ना। लोग पहले अपनी शिप में बड़े बड़े पत्थर रखा करते थे, उन पत्थरों से शिप डगमगाती नहीं थी। हमारे पास पत्थर नहीं तो क्या हुआ, हमारे पास पोलर बेयर है, हम उसी से काम चला लेंगे।
पहले इतने सारा तूफान बिल्कुल नहीं आते थे, पर जब से गर्मी बढ़ी तब से बढ़ गए हैं। पहले इस टाइम पर बर्फ गिरती थी, बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। बारिश? पर हम तो नॉर्थ पोल जा रहे हैं, वहाँ तो ठंड होती है ना? वहाँ तो चारों तरफ जो है बोट पर बर्फ गई है जम, मुसीबत में पड़ गए हैं हम। बर्फ से वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना बोट डूब जाएगी। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। क्या बात है, इतने कूल तो पापा भी नहीं है। हमें तो इसे साफ करने में जमाना लग जाता। हो गया साफ और साथ ही बन गया एक गिफ्ट खास। ये क्या, यहाँ का पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं, इतना ठंडा कि बर्फ जम जाती है। मुझे जगा दो। ये मेरा घर है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इस पानी में तो हमारी कुल्फी जम जाती, पर अन्ना के तो मजे हैं। लगता है इसका भी हाथ 2.5 किलो का है। अन्ना तुम्हारा तो रूप ही बदल गया। मैं वापस से ठीक हो गया हूँ, काई सारी धुल गई है। काई ठंडे पानी में नहीं उगती है, बर्फ मेरी माँ है। अब मैं शिकार बड़े आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि अब बर्फ में मुझे देखना बड़ा मुश्किल होगा, हरे रंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम पहुँच गए, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है यहाँ पर। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम तीनों ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं हरे से सफेद कभी नहीं बन पाता। ये तो बस शुरुआत है, पूरी दुनिया में सिर्फ 26,000 पोलर बेयर्स की ही तादाद रह गई है। हमें ग्लोबल वार्मिंग कम करनी होगी, जिससे बर्फ पड़ेगी और बेयर्स के लिए जगह भी। हमारी बोट बिजली से चलती है, जिससे न हवा में पॉल्यूशन होता है और न ही गर्मी बढ़ती है। हम और किस तरह से पाजी और उनकी दोस्त की मदद कर सकते हैं? हाँ, हम सोलर पैनल्स यूज कर सकते हैं और विंड मिल्स भी, उससे बिजली बिना पॉल्यूशन के बनती है। और कार्स भी बैटरी वाली ही यूज करनी चाहिए। अगर हम बस इतना करें तो हम बर्फ को पिघलने से रोक सकते हैं, इसमें सबका फायदा है। मुझे तुम्हें एक गिफ्ट देना है, एक खास गिफ्ट। मेरे पास देने के लिए कुछ बड़ा तो नहीं है, पर तुम अपने पास मेरा प्यार रख सकते हो। थैंक यू सो मच अन्ना। बाय बाय अन्ना चौकन्ना, अपने घर पर मजे करना। नए नए लोगों से मिलकर कितना अच्छा लगता है ना बेन? सही कहा, पर जो भी कहो हमारे अन्ना पाजी सारे दोस्तों में सबसे कूल हैं। कूल समझे क्योंकि वो बर्फ में रहते हैं। यानी इसकी तारीफ तो बनती है। बेन तुम भी ना बस। ये है मुंबई मेरी जान। अरे वो देखो, वो रहा अमिताभ बच्चन का घर, और वो देखो, वो रहा प्रियंका चोपड़ा का घर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, वो देखो शाहरुख खान का घर। अपना छोटा जानना चाहता है ये लोग आखिर हैं कौन। हाँ हाँ अभी बताती हूँ, वो स्टार्स हैं बॉलीवुड के। बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड होता है। नहीं, बॉलीवुड इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहते हैं। और बेन मैं तुम्हें एक बॉलीवुड की खास बात बताऊं, यहाँ हॉलीवुड से 4 गुना ज्यादा मूवीज बनती है। क्या बात है, इतनी मूवीज तो पापा भी नहीं देख सकते। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, अमेजिंग। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, आ गई। क्यों नहीं, आ गई होगी, लेकिन मैं तो उस बंदर से बात कर रहा था। तुझे मैं सड़क से उठा के बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाऊंगा, अपना नाम तो बता। इसका नाम है मैंगो। ये हमारा दोस्त है। हैला, ये तो बहुत बढ़िया है, इसके तो पहले से ही फैंस हैं। वेलकम, इसे मैं हीरो बनाऊंगा अपनी एक नई फिल्म में, देश का बंदर मस्कर अंदर। क्या बात है, मैंगो तो पापा को टक्कर दे रहा है। हाय, मैं एनी हूँ, तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हाँ चलो, तुम भी कुछ सीख लेना। ये बेन है, ये बकवास जोक सुनाता है।
मैं चली पकड़ कर पतली गली, मेरे साथ नहीं कोई। मैं चली हो, लगता है वो बुरा मानकर चली गई। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सीन कुछ ऐसा है, तुम हाथियों से टक्कर लेकर केलों की ईमानदारी से रक्षा करोगे। वाह, अब मजा आने वाला है नी। मुझे हार्ट बनाना चाहिए था, ये क्या बना दिया। वैसे मैंगो तुम्हें डायरेक्टर से मिला सकता है, बस उससे बात कर लो। अकेली आई थी, अकेली जाऊंगी, अपना रोल मैं खुद कमाऊंगी। कोई शक? दोस्त तो सबको चाहिए होते हैं। मुझे नहीं चाहिए। सब शांत रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड एक्शन। मेरा हीरो कहाँ गया? कहाँ है मेरा मैंगो? हाथी के पैरों से तो नहीं चिपका हुआ है, चेक तो करो। जमीन से छिटका, केले पर अटका। मेरी मूवी में तो कोई लड़की थी ही नहीं। लड़की को हटाओ यहाँ से। पर ये कॉस्ट्यूम मुझे देके जाना, बाद में मेरे काम आएगा। तुम हीरो सिर्फ इसलिए बन पाए हो क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, समझे? तुम्हें हम हीरोइन बना सकते हैं अगर तुम चाहो तो। मुझे मदद नहीं चाहिए, मदद की जरूरत कमजोरों को होती है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? छा गए मैंगो तुम तो। मैंने सोचा है कि मैं बोलने वाले डॉगी पर एक पिक्चर बनाऊं, पर कौन देखेगा उसे। चल ठीक है, एक बार फिर से करते हैं, लेकिन इस बार हाथी जो आएंगे वो उस तरफ से आएंगे, ठीक है ना? कोई कैमरा चालू करो, हाथी तैयार है, एक्शन। बनाना कॉस्ट्यूम। एनी, ये कैसा कॉस्ट्यूम है? ये तो केले के छिलके से भी ज्यादा फुसलता है। अरे नहीं, ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। पूरा सेट टूट रहा है। अरे ये क्या हुआ? मेरे सेट को क्या हुआ? मेरे केले? अब मैं फिल्म कैसे शूट करूंगा? वैसे अगर आप एक छोटी लड़की पर फिल्म बनाए तो आपको इस सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आयला, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं नाम रखूंगा बगल में छोरी, शहर में भागा दौड़ी। ये रही वो छोरी, इसका नाम है नेहा, ये हीरोइन बनेगी। आयला, स्टार तो मेरे पास ही खड़ी हुई है, कोई इस जगह को साफ करवा दो प्लीज। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं मूवी में आखिरकार हीरोइन बन गई, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाती एनी। अरे यही तो दोस्तों का काम होता है। और अब पता है ना किसका टाइम है? ओए डीजे वाला, गाना बजाओ, इंतजार किस बात का है। हो, हो, हो। एक बंदर, एक डॉगी, एक लिटिल गर्ल, मिलकर हम घूमेंगे पूरा वर्ल्ड। चाहे हो कुछ भी, नहीं रुकने वाले हैं हम। घूमते हैं देश विदेश, करते हैं फन, एडवेंचर बोले तो धन धना धन धन। ईस्ट हो या वेस्ट कोस्ट, हमें हमेशा मिलते दोस्त। आओ बताएं एक राज, दोस्त होते हैं बहुत खास। मैं हूँ डॉगी खास, मेरी दोस्त है बिंदास। मैंगो के पास है मस्ती का ताज, पर चाहिए और दोस्त, चाहे हो कोई भी बात। Hi!
तो मेरी जिंदगी बदल दी, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी बात दोस्त होते हैं खास। अब क्या हमें एक ऑटोग्राफ मिलेगा तुम्हारा एक यादगार के तौर पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, तुम बनोगी स्टार, क्योंकि तुम हो कलाकार, बजाती हो गिटार, खाती हो अचार, हर बार 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 करवा दी थी तुमने कॉस्ट्यूम को तार तार। बेन, बकवास जोक। ये तो बहुत कमाल, क्या तुम मेरी स्क्रिप्ट के राइटर बनोगे? आज हमने एनी और बेन की पाठशाला के चैनल में जो सीखा उसमें बहुत मजा आया।